का 25 अध्याय 31 पद से लेकर 46 पद तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 पद से लेकर 46 पद तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी शुद्धि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।